नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है सिंगर, चाहे मैं इनको बॉलीवुड सिंगर कहूं, गजेंद्र वर्मा जी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सुमित, बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। सर, हम काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि जीवी सर हमारे शो पर आए और फाइनली हमारे व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, तो तहे दिल से आपके लिए मतलब हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमसे जुड़े आप। थैंक यू आपका है कि हम आपके थ्रू हमारे मेरे ऑडियंस से हम जुड़ पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं। सो डेफिनेटली ऑल थैंक्स गोज़ टू यू गाइस। मेरे पास काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि जीवी को लेके आओ आप, तो फिर मैंने जैसे तैसे कॉन्टेक्ट किया कि भैया मैं जीवी को लेके ही आता हूँ, तो चलो फाइनली आप हमारे सामने हैं। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2006 में आपका तूने मेरे जाना, जो कि आपका ही गाना था जो वायरल हो चुका था, और ये कहानी किससे सुनने में आया? किसी IIT स्टूडेंट ने इसको ये बोला था कि मैंने ये गाना बनाया है, फिर कुछ सुसाइड का कुछ ऐसा एक कुछ मनगढ़ंत कहानी क्या है वो अभी तक एक रहस्य है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो आई थिंक 2008 या 2009 की बात है, एंड मैं कॉलेज में ही था उस टाइम, एंड मैंने कॉलेज के स्टूडियोज में अपना ये गाना रिकॉर्ड किया था और इंटरनेट पे लीक हो गया था ये गाना। एंड यू आर राइट कि वो स्टोरी ऐसी थी कि IIT का कोई स्टूडेंट है और उसने गाया है गाना और वो उसकी डेथ हो गई है टाइप्स। तो उस टाइम यही खबर फैली थी और मेरे पास कोई उस टाइम चारा भी नहीं था कि मैं उसका करता भी क्या, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था उस टाइम। तो पर गाना मेरा था, मेरी आवाज में था, तो फिर थोड़ा टाइम लगा, 3-4 साल लगे, फिर मेरा एक बॉलीवुड गाना आया मन मेरा, तो उसके बाद लोग पहचानने लगे और फिर लोगों ने जाना कि Emptiness मेरा गाना है, तो इस तरह से हुआ। मैं अगर आपके सॉन्ग्स की बात करूं, तो चाहे तेरा घाटा की बात करूं, तूने मेरे जाना की बात करूं, यारियां का जो बरसात का आपका सॉन्ग है उसकी बात करूं, तो आप हमेशा एक रोमकॉम, एक रोमांटिक गाना गाना पसंद करते हैं कि आप दूसरे जोन में भी गाना पसंद करेंगे फ्यूचर में? हाँ, मैंने मतलब काफी मैं पसंद तो हर तरह का करता हूँ, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप अगर मुझे देखोगे और मेरी आवाज सुनोगे तो वो रोमांटिक गानों पे ज्यादा जाती है। तो आई थिंक दैट्स वन रीजन कि लोगों को जो मेरे रोमांटिक गाने हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज दे एक एक आपकी आप जो एक फीलिंग अपने मन में बनाते हैं तो उसके प्रति आपका एक चेहरा होता है और आपकी एक वॉइस होती है जो आपके मन में बनती है, तो वो शायद मेरी कनेक्ट करती है लोगों को रोमांटिक गानों के लिए। बट आई डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट म्यूजिक, मतलब मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं फोक सॉन्ग्स भी काफी गाता हूँ। मैंने अभी आप नेक्स्ट एल्बम एक्चुअली सुनेंगे, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ जो अभी आगे के गाने हैं, तो उसमें बहुत मजा आएगा, काफी अलग अलग चीजें हैं। ऑफकोर्स रोमांटिक जोन के ही हैं क्योंकि आई थिंक मुझे वो नेचुरली बहुत पसंद है रोमांटिक गाने गाना। अभी हमें जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि आप कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ लेके आने वाले हैं, तो ये कितना सत्य है? फिलहाल मैं इतना ही बता पाऊंगा कि कुछ आ रहा है, एंड और इतना भी बताना चाहूंगा कि इट्स ये कुछ ऐसा है जो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू टाइप ऑफ फीलिंग है ना, तो इतना ही हम अभी बता पाएंगे, एंड आपको खबर जो मिली है एकदम करेक्ट मिली है। सर, आजकल जो नए नए म्यूजिक डायरेक्टर कहूं मैं उनको, नए नए सिंगर्स मैं कहूं उनको, जो मेरा मानना वो ये है कि उनको एक जो प्रोडक्शन हाउस होता है या तो एक प्लेटफॉर्म मैं कहूँ, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सोशल साइट्स, यूट्यूब एक ऐसी चीज आ गई है कि वो अपने, अगर आप में टैलेंट है तो आप इन माध्यम से भी फेमस हो सकते हो। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली दिस इज एब्सोल्युटली राइट। मैंने भी वैसे ही शुरुआत की है मेरी, और मुझे
थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मैं वापस बोल देता हूँ। तो बेसिकली मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, मैंने भी यूट्यूब पे ऐसे ही शुरुआत की थी, और उसी टाइम मुझे ये नजर में आया था कि दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री स्पेशली। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें हमेशा कोई एक लेबल के थ्रू ही जाना पड़ता था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, अपना गाना पहुंचाना है, तो आपको एक लेबल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो सीडी या कैसेट उतनी बनवा पाए। तो अभी ऐसा कोई वो कोई लिमिटेशन नहीं है किसी के पास भी, घर पे बैठ के अपने ही गांव में, शहर में, कहीं भी शूट करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। अगर आपका गाना अच्छा है, आपका विजन अच्छा है, वीडियो अच्छा है, तो लोग पसंद भी करते हैं। और लोगों को मैंने देखा है कि लोग आजकल चाह भी रखते हैं कि नया से नया उनके पास गाने हो, उनकी एक अपनी प्लेलिस्ट हो। तो वो एक चीज बहुत ही, एज एन आर्टिस्ट आई एम एंजॉइंग अ लॉट। मैं उसका मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है गाने नए नए बनाने का, नए नए तरह के गाने बनाने का। सो आई थिंक इट्स अ गुड गुड थिंग फॉर इंडियन म्यूजिक। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो चुका है? क्योंकि काफी एक्टर्स हैं जिनको सोशल साइट्स पे जो लोग फेमस हुए हैं, फिर उनको बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। चाहे मैं आपकी बात करूं, चाहे मैं योहानी की बात करूं जो श्रीलंकन सिंगर है, अगर आपको बताओ, तो ऑडियंस का टेस्ट कहीं ना कहीं तो चेंज हुआ बिल्कुल, है, ये मेरा मानना है। आई थिंक ऑडियंस का चेंज इवॉल्व हुआ है। मतलब पहले एक एक रुकावट सी थी कि यही टाइप के गाने हमें पसंद है या यही टाइप के गाने अच्छे होते हैं, है ना। तो आजकल वो नहीं है। आप किसी भी तरह का गाना उठा लीजिए, चाहे वो क्लासिकल है, चाहे इंग्लिश है, चाहे श्रीलंकन है, चाहे ब्रेकअप सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, कॉमेडी सॉन्ग है, या किसी ने घर पे बैठ के ऐसे ही बना दिया है, यारों पे गाना है, दोस्ती पे गाना है, तो वो लिमिटेशन जो है वो ब्रेक हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग म्यूजिक ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल वॉन्ट टू लिसन टू म्यूजिक ऑल्सो। मतलब लोग अपनी अपनी चाह के हिसाब से अब गाने सुन रहे हैं, और कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें। मतलब उनको मिल भी रहा है उस टाइप के गाने ऑल ओवर इंडिया से, और वो सुन भी रहे हैं। तो आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं हो पाएगा। सब अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने टाइप के म्यूजिक में आगे बढ़ सकते हैं, अपने अपने तरह के गाने के। एक जैसे आपको जिस तरह का गाना गाना है, आप वैसे गाने बना सकते हैं और गा सकते हैं। ये कमाल की बात है। मतलब ये, और पिछले कुछ 3-4 साल से ही हुआ है ऐसा। आपके फादर थिएटर एक्टर थे, और हाँ जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गजेंद्र क्या यार एक्टिंग में ट्राई करो, सिंगिंग वगैरह? चलो ठीक है, तुम शायद थिएटर में भी ट्राई करो, हुआ तो होगा, मुझे लग रहा है हुआ तो होगा। एक्चुअली मैं काफी छोटा था जब मेरे डैड गुजर गए, बट मेरी मम्मी ने घर पे काफी लोगों ने बोला है कि किया करो, और वो बोलते भी हैं कि आपके खून में है तो आपको तो ट्राई करना ही चाहिए। तो मे भी किसी दिन ट्राई भी करेंगे, है प्लान्स, बट फ्यूचर के लिए अभी कुछ एकदम ठोस प्लान नहीं है जिस जिसके लिए आपको कुछ बता पाए, पर डेफिनेटली करेंगे कुछ। मैं मेरी तरफ से एक सवाल पूछूं कि आपको अगर कहीं घूमने जाना हो या आपको कुछ म्यूजिक वीडियो शूट करने जाना हो, तो आप किस एक्ट्रेस को ले जाना पसंद करेंगे अपने साथ में? किस एक्ट्रेस को? आई थिंक मुझे ऑफ कोर्स कैटरीना कैफ बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली कैटरीना विल बी माय फर्स्ट चॉइस। एंड इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो रिसेंटली मैं उत्तराखंड बहुत घूम रहा हूं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। बहुत ही अनटच्ड है, एंड काफी काफी जगहें ऐसी हैं जो लोगों ने अभी तक देखी नहीं है, बट इतनी सुंदर जगह है। मतलब इट्स एज मतलब आई थिंक उत्तराखंड में जाना पसंद करूंगा। आपका ये रुझान शुरू हुआ कैसे कि मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में ही जाना है, मुझे सिंगर बनना है? ये आपका मतलब इंटरेस्ट कैसे आपका पैदा हुआ? मेरी फैमिली, एक्चुअली मेरे पापा थिएटर आर्टिस्ट के साथ साथ सिंगर भी थे और राइटर भी थे, तो वो बहुत ही अच्छा गाते थे। तो घर पे हमेशा
गाना बजाना तो मतलब आप ये मानिए कि हफ्ते में 3-4 दिन तो गाना बजाना चलता ही चलता था। सारे मेरे जितने बहन भाई हैं बाकी वो भी गाते हैं, प्रोफेशनली नहीं गाते बट गाते जरूर हैं। तो घर से मैं सबसे छोटा हूँ तो बहुत सीखा मैंने घर से ही। तो जब मैं कॉलेज कर रहा था तो उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे म्यूजिक में ही जाना है, एंड तो इस वजह से मैंने साउंड इंजीनियरिंग ऑप्ट किया बॉम्बे आके, सो दैट यू नो मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूं और साथ साथ मैं बॉम्बे आके अपना म्यूजिक का काम भी शुरू कर दूं। आपको कभी क्रिटिसाइज तो किया होगा कि ऐसे लोग, क्योंकि हमें हर मोड़ पर मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रांग भी बनते हैं ये सब चीजों से, तो ऐसे लोगों से कभी पाला पड़ा आपका? नहीं, आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि हर मोड़ पे मिल जाते हैं, एंड वो हर मोड़ पे मिलना जरूरी भी है। आप बहुत बहुत इरिटेशन होता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत प्यार से उन्हें संभाल लेता हूँ, बट ऐसा नहीं है। बट उसके साथ साथ बात यह है कि जब तक आपके क्रिटिसाइज आप नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को बेहतर कैसे करेंगे। बेहतर करने के लिए किसी का टॉन्ट मारना, किसी का पिंच मारना जरूरी है। तो वो एक एक टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, एंड हर जगह से मिलता है क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बाहर वालों से मिलेगा, आपको घर पे भी क्रिटिसिज्म मिलेगा। और उससे ही अगर आप डर गए या फिर उससे ही अगर आपने हार मान ली तो फिर आपका इतने कंपटीशन वाले स्ट्रगलिंग वाले इंडस्ट्री में आना ही इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको पहले ही बाहर बैठ जाना चाहिए। आप खुद के म्यूजिक वीडियोस में आप एक्टिंग भी करते हैं, तो हम शायद गजेंद्र को आने वाले टाइम पे फिल्म्स में भी देख पाएंगे, मतलब हमें लग रहा है कि आप बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। आप मेरी शक्ल देख के बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं शक्ल देख के नहीं, मैं आपका हर टैलेंट देख के, क्योंकि शक्ल तो आपकी मतलब माशाल्लाह, पर्सनालिटी नो डाउट, और हो सकता है कि हम आगे चल के भैया गजेंद्र को इंटरव्यू के लिए बुलाएं, तो एज एन एक्टर हम बुलाएं कि भैया ये फिल्म है ऐसे ऐसे ऐसे। होपफुली मैं किसी भी चीज को, उसी आर्ट में किसी भी चीज को मैं मना नहीं करता। और एक मेरा रूल है कि अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको तो अपने सोच में भी मना मत करो, क्या पता वो अच्छी चीज आपकी लाइफ में आ ही जाए। तो बिल्कुल आपसे एक विदा लेते टाइम मैं ये, आप एक गाना आपका जो फेमस है तेरा घाटा, वो हमारे व्यूअर्स के लिए आप यस। बिल्कुल, मतलब व्यूअर्स मर जाएंगे कि जब उनको पता चलेगा कि गजेंद्र जी ने गाना गाया है, उनका मनपसंद गाना। तो शुरुआत करें All right, हम। so, एक एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा सुमित भाई, आप कहाँ से हैं वैसे? सर मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी से मैं बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर। ओ वाह वाह, नाइस नाइस। तो बट ये मैं भोपाल में हूँ, मैं बट आई एम स्टेइंग इन भोपाल बेसिकली। भोपाल बहुत बार आया हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका वो लेक एरिया, और एक्चुअली मैं 2-3 बार वहां शो करने आया हूँ, तो बहुत ही सुंदर आपकी जगह है। और मेरे एक दो दोस्त भी हैं बहुत खास यहाँ पे, एक आईपीएल में ये करते हैं, क्या बोलते हैं, आईपीएल का जो एक्स्ट्रा इनिंग्स है उसमें होस्ट करते हैं, वो भोपाल के हैं। और हम चाहते हैं कि ना नेक्स्ट टाइम आप शो करने आए या किसी भी रीजन से आए, तो बिल्कुल हमें कॉल करें, हम आपका ऑफिस में लाइव इंटरव्यू लें, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हमारा सौभाग्य रहेगा। राइट, सो दिस वन गोज टू सुमित भाई एंड ऑल। सोच के बोला होगा तुमने वाह 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 ये वाह, प्यार भी तुमने, अब ना है तो फिर ना सही दिल पर, इस दिल को ये समझा लिया हमने, इसमें तेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, इसमें तेरा खाता तेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। ओ,
खास था ये जान लेते जो मेरी नजर से देखा होता तुम्हें, इस बात का बस गुम हुआ मुझको, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, ओ, सोचा नहीं था जिंदगी में यूं मिलोगी, मिलके भी तुम ना मेरी हो सकोगी, पर याद आएगी जब भी तुम्हारी, शिकायतें ना होंगी बस दुआ रहेगी, अब और क्या कहना होगा हमें, करना था जो वो कर लिया तुमने, शायद रहूं या ना रहूं दिलबर, बदला कभी ये फैसला तुमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। थैंक यू सर, आपने तो मेरी शाम बना दी, और मैं आपका गाना ऑलमोस्ट जहां भी मैं ट्रेवल करता हूँ सबसे पहले आपका गाना ये प्ले होता है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और साथ में आपका गाना, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि आप लाइव मेरे सामने गा रहे हैं, मतलब बिल्कुल वही म्यूजिक चल रहा हो, रियली इज अ फैंटास्टिक। एंड सर थैंक यू सो मच, आपने ये गाना हमारे मतलब हमारा फेवरेट गाना आपने मेरे सामने हमारे व्यूअर्स के सामने गाया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे भाई, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए शख्स के साथ, नमस्कार।